हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा दो रंग का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारे इस तरीके से दिखाई देता है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत ही सुंदर नजर आता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 22 फंदे लिए हैं। सबसे पहले आप 10 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 10 फंदे, और लास्ट में 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ निडल पे मेरे 22 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 8 लाइन का है, सीधी तरफ से शुरू होगा। तो फ्रेंड, डिजाइन बनाने से पहले हमने 2 बेसिक रो बनानी है, एक सीधी और एक उल्टी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट बेसिक रो है। बॉर्डर वाले ही कलर से हमने बनानी है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमारी एक बेसिक रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। पहले फंदे को पॉली वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे सेकंड बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले 2 फंदे हम व्हाइट कलर से सीधा बुनेंगे, 1 2। उसके बाद 3 फंदे हम पर्पल कलर से बुनेंगे, यही 5 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से देखिएगा, 2 फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे और 3 फंदे हम पर्पल कलर से बुनेंगे। धागे को आगे ले जाएंगे, फिर 2 फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे, फिर 3 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे और 3 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं। 2 फंदों को हम व्हाइट से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। 2 फंदे हमने पर्पल से बुनने हैं। धागे को आगे लाएंगे, फिर 1 फंदा व्हाइट से बुनेंगे, 2 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, फिर 1 फंदा व्हाइट से बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, शुरू के 2 फंदे छोड़ के आगे के इन्हीं 10 फंदों को हमने पूरी रो में दोहराना है। फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारे 1 फंदा व्हाइट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 फंदा व्हाइट बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे। धागे को इधर लाएंगे, 2 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, 1 फंदा व्हाइट से बुनेंगे और लास्ट में 2 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। 3 फंदे हमने पर्पल से बुनने हैं। धागे को आगे ले जाएंगे और 1 फंदा हम व्हाइट से बुनेंगे। स्टार्टिंग में 3 फंदे हमने पर्पल से बुने हैं और बीच में हम 4 फंदे बुनेंगे पर्पल से, 1 2 3 4। फिर 1 फंदा हम व्हाइट से बुनेंगे। फिर से हमने 4 फंदे पर्पल से बुनने हैं, 1 2 3 4, और 1 फंदा हम व्हाइट से बुनेंगे। फिर से 4 फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, 1 2 3 4, और 1 फंदा हम व्हाइट से बुनेंगे। अब लास्ट में 3 फंदे हमारे बचे हैं। तीनों फंदों को हम पर्पल से सीधा बुन लेंगे। स्टार्टिंग में 3 फंदे हमने पर्पल से बुने हैं।
और लास्ट में भी तीन फंदे हमने पर्पल कलर से बुने हैं। बीच में हमारे चार चार फंदे हैं, देखिएगा। यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है। धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर दो फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे, एक दो, फिर दो फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, फिर एक फंदा व्हाइट से बुनेंगे, फिर दो फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, धागे को आगे ले जाएंगे, फिर एक फंदा व्हाइट से बुनेंगे, फिर दो फंदे हम पर्पल से बुनेंगे। यही 10 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो फंदे व्हाइट से बुनेंगे और दो फंदे हम पर्पल कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा व्हाइट से बुनेंगे, फिर दो फंदे पर्पल से बुनेंगे, धागे को आगे ले जाएंगे, एक फंदा व्हाइट बुनेंगे, दो फंदे हम पर्पल से बुनेंगे। अब लास्ट में दो फंदे हमारे बचे हैं, दो फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे क्योंकि हमने शुरू में दो फंदे एक्स्ट्रा लिए थे, तो ये दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे व्हाइट कलर से। तो यहाँ पे डिजाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, ये हमारे डिजाइन की फिफ्थ रो है। दो फंदे हमने व्हाइट से बुनने हैं, धागे को आगे ले जाएंगे, फिर तीन फंदे हम पर्पल कलर से बुनेंगे, एक दो तीन। अब यही 5 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से देखिएगा, दो फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे और तीन फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, फिर दो फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे, फिर तीन फंदे हम पर्पल से बुनेंगे, फिर दो फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे, फिर तीन फंदे हम पर्पल से बुनेंगे। अब लास्ट में दो फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदों को हम व्हाइट से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की फिफ्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की सिक्स रो है। यहाँ पे पूरी रो को हमने पर्पल से बुनना है, लेकिन ये वाला धागा हमारा इधर है, इस धागे को हमने इधर लाना है क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस धागे को ऐसे लेंगे इस साइड में। अब पूरी रो को हमने पर्पल कलर से उल्टा उल्टा बुनना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस धागे को ऐसे टक करते हुए चलेंगे इस तरीके से। इस वाले धागे को, पर्पल कलर के धागे को ऊपर लाएंगे और आगे के फंदों को हमने उल्टा बुनना है। अब ये वाला धागा हमारा किनारे पे आ गया है। यहाँ पे डिजाइन की 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी 6 लाइनें बन गई हैं। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है। पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। यहाँ पे 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की 8th रो है। पहले फंदों को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिजाइन की 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 लाइनों में डिजाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे अपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बनके कुछ इस तरह नजर आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा पैटर्न है। देखिएगा, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसान और कितना प्यारा सा पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, पूरे स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। एक धारी डाल लीजिएगा, दो डाल लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगता है
उस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।